नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भारत सरकार ने 25 तारीख से डोमेस्टिक उड़ानों को मंजूरी दे दी, लेकिन अब इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह इस फैसले को लेने में थोड़ी तत्परता दिखाई, या जिस तरीके से व्यवस्था की गई, इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि दिल्ली लुधियाना के एयर इंडिया की फ्लाइट में एक शख्स कोरोना संक्रमित निकला। उसका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाद 36 यात्रियों को क्वारंटीन किया गया है, साथ ही 4 क्रू मेंबर्स को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह तैयारी कैसे की गई। दरअसल लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आप एयरपोर्ट पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, वहाँ पर अगर बैठने की जगह है तो 2 यात्रियों के बीच की एक सीट को खाली छोड़ दी जाती है, लेकिन जब आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो बीच की सीट खाली नहीं है। जैसे पहले चलती थी, ठीक वैसे ही अभी भी लोग यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव निकला तो ऐसे में बाकी यात्रियों के सेहत पर भी असर पड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि भारत में अब जो कोरोना संक्रमण के मामले मिल रहे हैं, इसमें ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें लक्षण कोरोना वाले नहीं हैं। ये टेस्ट के बाद ही पता चल रहा है कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद इस तरीके के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके पहले भी इंडिगो की फ़्लाइट में भी एक यात्री कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद इंडिगो फ्लाइट से जितने लोगों ने यात्रा की थी उन सबको क्वारंटीन कर दिया गया। उन सब की सेहत का सरकार ध्यान रख रही है।